तो गाइस पटना का मौसम अचानक से बदला है और बहुत बहुत खूबसूरत है। आप देखिए जितने भी येलो येलो पत्ते सब निकल के उड़ रहे हैं। हाँ बोलिए बोलिए, बारिश स्टार्ट हो गई है। आप कहाँ निकल रहे हैं ऐसे मौसम में, उड़ जाइएगा। जैसे पत्ते गिरते हैं ना जंगलों में, वैसे ही पत्ते उड़ रहे हैं। हाँ हमारा बालकनी भी आप देख सकते हैं, गंदा हो गया तुरंत। नहीं आपका लुक नहीं दिखा रही थी मैं। आप कहाँ जा रहे हैं? हम लोग काम धंधा मजदूरी। अभी जो मौसम इतना बिगड़ रहा है, ओ माय गॉड, बहुत खूबसूरत हो गया मौसम। अब देख सकते हैं बालकनी में पूरा पत्ते पत्ते हो गए हैं और इतना तेज हवा चल रहा है। बनेगा आपसे। अरे वाह, हाँ चलेगा, वेरी नाइस। ये आप थोड़ी ना बनाए, डुगू बना के दिया आपको। नहीं चलो झुट्टी ऐसे था और ऐसे हुआ हुआ था, ऐसे कर दी और ऐसे कर दी। हाँ बहुत चालू, बहुत चालू। आए जो डुगू का दबा दियो। वही मैं भी देख रहा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अभी हो चुकी है सुबह और अभी जो मौसम है थोड़ा सा ठंडा ठंडा, आप देख सकते हो मेरे पीछे बहुत ही बारिश जैसा मौसम है, तो गर्मी जो है फिर भी लग रही है, लेकिन मौसम ऑलरेडी बहुत अच्छा हो गया पटना में। सुबह जो है वो आ चुका है, आज है 3 तारीख और मैं अभी आई हूँ छत पे। मुझे लेना था, मुझे चाहिए था करी पत्ता, तो मैं वही तोड़ने के लिए। तो ये रहा, मैंने तोड़ लिया है करी पत्ता। अभी मैं जो रात की सब्ज़ी बची हुई है कद्दू, तो अभी मैं सांभर बनाने वाली हूँ, उसी के लिए यहाँ पे करी पत्ता तोड़ रही हूँ। तो यही फ़ायदा हो जाता है अपना प्लांट अगर घर में कुछ किचन का अगर यूज़ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। सो अब इसको लेके चलते हैं। और ये देख सकते हैं आप हमारा बॉन्साई का नया लुक, जिसका पॉट हम लोगों ने चेंज किया है और इसको पूरा कट कर दिया था ऊपर से। तो ये मेरा वन ऑफ माई फेवरेट प्लांट है और इसका भी पॉट चेंज किया। ये पता नहीं कौन से प्लांट है, मुझे तो नाम नहीं पता, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ये भी कोई प्लांट है जो उन्होंने लगाया, जिसकी स्प्राउटिंग जो ऑलरेडी हो चुकी है और मुझे ये भी नहीं पता करता। और यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये करते रहते अपना काम। खैर अभी हम लोग चलते नीचे क्योंकि नाश्ता मुझे बनाना है। तो यहाँ पे मैंने रात में कद्दू की सब्ज़ी बनाई थी और दाल जो बना था वो पूरा वैसे ही बचा हुआ था, तो मैंने सोचा इसको सांभर का छौंक लगा के सांभर बना देते हैं। इसलिए मैं छत पे गई थी करी पत्ता तोड़ के लाने के, और यहाँ पे उसका छौंक लगा रही हूँ और दाल और कद्दू की सब्ज़ी को एक में मिक्स करके मैंने पका लिया अच्छे से। और अब सांभर का छौंक लगा के सांभर के मसाले के साथ उसको अच्छे से बना के वो बिल्कुल वैसे ही टेस्ट लगेगा।
जाएगा, अंदर घुस जाएगा। कूलर में इसको हवा लग रहा है। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी हमारा एक शूट था, उसी के लिए आज सुबह सुबह हम लोग निकले हैं। अभी सुबह के बज रहे हैं 8:30 और हम लोग घर से नाश्ता करके नहीं निकले थे क्योंकि इतना सुबह सुबह तो नहीं करते हैं। और यहाँ पे हमारा आ चुका है पूरी सब्जी और जलेबी, तो फटाफट से खा लेते हैं। सो अभी हम आ चुके हैं घर, और अभी आप लगेज देखे तो कुछ थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा लगा ही सकते होंगे कि हम लोग कहीं जा रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं अभी जब तक आप सोचिए, तब तक मैं यहाँ पे कपड़े वगैरह जो भी ले जाना है उसको आयरन कर लेती हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि आज रात को 9 बजे हमें निकलना है। सो फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हैं पैकिंग हो चुकी है, और अभी रात के बज रहे हैं 8:30। हम लोग 9 बजे तक निकलने को यहाँ पे रेडी हैं। मामू के ऑफिस का ख्याल रखोगे ना? जाए हम लोग क्या बोली, जोर से बोलो तो। क्या बोले, ज्यादा पुकाया मत करो। कहाँ से सीखी हो ये सब, गंदी हो गई हो। और यही होता है इनके छोटा सा बैग। अरे मुझे थमा दिया ट्रॉली, ये भी आपको पकड़ना चाहिए था। हाँ, और मैं आपकी हेल्प कर दी हूँ यहाँ पे। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं दिल्ली। और पाटलिपुत्र स्टेशन देखो, तरक्की कर गया, बड़ा स्क्रीन लग गया। सो अभी आपको दिखाते हैं हम ये म्यूजिक, अभी थोड़ी देर के बाद आपको पता चलेगा कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। मैंने पहले ही बोल दिया दिल्ली। क्या कब बोला? अभी सब टाइम टाइम फिक्स कर दिया मेरे ब्लॉग में। उन लोगों की ट्रेन बिफोर चल रही था उनका। लड़ाई होगी, लड़ाई हम लोग। हाँ, घमासान हो गया पूरा। अभी झगड़ा करिएगा हैं? आप बोले तो गाइस देखिए ट्रेन ब्लॉगर बनने वाले नए स्टेशन पे, और हम लोग पहुंच चुके हैं।